देखिए, आज की क्लास में बचे हुए कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स हम कवर करने जा रहे हैं। मिस्टर पी, मिस्टर क्यू, मिस्टर आर टेक्स अ प्रोजेक्ट एंड दे कैन कंप्लीट इट इन 36 आवर्स, 36 घंटे, 54 घंटे और 72 घंटे। पी क्यू आर सबका ना टाइम दे रखा है 36 घंटे, 54 घंटे और 72 घंटे में ये लोग अपना अपना किसी प्रोजेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पी मेट एन एक्सीडेंट, पी का जो है वो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ये पी का एक्सीडेंट हो गया यानी पी काम नहीं कर पाएगा, है ना। एंड लेफ्ट द प्रोजेक्ट आफ्टर 8 आवर्स, राइट, फ्रॉम द प्रोजेक्ट, लेफ्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट 8 आवर्स बिफोर कम्प्लीशन, काम खत्म होने से 8 घंटे पहले कौन चला गया, पी चला गया। देखो, इस तरह के सवालों को सीधा सीधा मैं कुछ इस तरीके से करने का सजेशन दूंगा। पी क्यू आर है, काम जब भी खत्म हो रहा है इससे 8 घंटे पहले, 8 घंटे पहले कौन चला गया बच्चों, पी चला गया, ठीक है। वेल क्यू लेफ्ट 12 आवर्स बिफोर कम्प्लीशन, यानी 12 घंटे पहले, काम खत्म होने से 12 घंटे पहले, 8 घंटे ये और 4 घंटे इधर, तो 12 घंटे हो गए ना। इस समय कौन चला गया बेटा, इस समय क्यू चला गया। अब समझने की बात यह है कि आखिरी 8 घंटे में कौन काम करेगा, सिर्फ आर काम करेगा, ठीक है। इस 4 घंटे में कौन कौन काम करेंगे, पी और आर दोनों काम करेंगे, और बचे हुए टाइम पे कौन काम करेगा, सब के सब काम करेंगे, पी क्यू आर सब लोग काम करेंगे। तो ये हमें लॉजिकल बात है जो हमें बड़े आसानी से समझनी चाहिए थी। शिरांशी और देवेंद्र, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए तुम्हारा, राइट। ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको इस तरह के सवालों के लिए पिछली क्लास में ये सजेशन दिया था कि हम लोग इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे, राइट। इसका हम एलसीएम लेंगे, 36, 54 और 72। एलसीएम लेने का भी मैंने तुम्हें शॉर्टकट सिखाया था, राइट। क्या सिखाया था भाई, कि हाईएस्ट पावर देखो, ये सब ओरल है। देखो, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ रखो बच्चों, अगर आप कोई ज़रूरी बात नहीं कर रहे हैं। यशवंत, हाँ, माइक ऑफ रखो बेटा, ओके। अब ये तुम्हारे पास देखो, इसको ये सब ओरल काम है बेटा, राइट। ये 3 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, 36। कैसे देखा भाई, 27, 27 यानी कि 3 क्यूब एंड 2, और 72 कैसे देखा, 9 गुने 8 यानी कि 3 स्क्वायर एंड 2 क्यूब। तो देख के ही समझ में आना चाहिए कि इसका जो ल स प होगा वो क्या होगा, 3 क्यूब और 2 क्यूब, समझे कि नहीं। 3 का घन और 2 का घन का गुणनफल ये इसका ल स प होगा। मैंने एलसीएम एचसीएफ भी पीछे अभी क्लास ली है, ठीक है, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, तो अगर कोई डाउट है तो आप उसको देखें। इस तरह की बातें, बेसिक बातें हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पे कर रखी है। अब देखिए, अगर ये हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क हमारा इस हिसाब से कितना हो गया, 27 गुने 8। मैं इसकी कैलकुलेशन करना सही नहीं मानता, मैं बोलूंगा रहने दो, देखा जाएगा बाद में। अगर ये टोटल काम है और ये 36 घंटे में काम खत्म कर रहा है, तो कितने काम करेगा, तो इसको 36 से भाग दोगे तो 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर बचेगा क्या, 6 बचेगा, यानी 6 यूनिट काम ये करेगा। 54 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 4 बचेगा 2 का स्क्वायर, और अगर इससे करोगे तो 2 क्यूब चला जाएगा और ये 3 यानी कि 3 यूनिट काम ये करेगा। प्रति घंटे ये लोग इतना इतना काम करेंगे। अब देखो, लास्ट के 8 घंटे में किसने काम किया, आर ने काम किया। आर कितना काम करता है बच्चों, 3 यूनिट, यानी लास्ट के 8 घंटे में कितना काम हुआ, 24 यूनिट। ये इस 4 घंटे में पी और आर ने किया, तो पी और आर कितना करेंगे बेटा, पी और आर 9 यूनिट करेंगे, 9 चौक 36, 36 यूनिट काम इसने किया। टोटल काम इन लोगों ने कितना कर दिया भाई, टोटल काम इन लोगों ने 60 यूनिट का कर दिया। बचा हुआ काम क्या पी क्यू आर मिलके करेंगे, बिल्कुल मिलके करेंगे, मिलके करेंगे तो कितना काम करेंगे बेटा, 13 यूनिट काम करेंगे। बचा हुआ काम कितना है इसमें से देख लेते हैं। अब देखो, गुने 8 तो 8 56 हो गया, है ना, 56 और हाथ में 5, और 16 और 5 कितना होता है, 21। 21 में से अगर हम 60 यूनिट घटा दें, क्योंकि 60 यूनिट काम इस 12 घंटे में हो चुका है, ठीक है, तो हमारे पास बचा हुआ कितना काम रह गया भाई, बचा हुआ रह गया 156 यूनिट। ये 156 यूनिट 13 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से होगा, तो कितने घंटे में हो जाएगा, 1 और 2, 12 घंटे में हो जाएगा। इन्होंने बोला हाउ मेनी आवर्स डिड आर वर्कड, आर ने कितने घंटे काम किया, तो आर तो बेचारा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम कर रहा है, इधर 12 घंटे हमने जोड़ लिए और इधर 12 घंटे दे रखे थे, तो 12 प्लस 12 कितने हो गए, 24 घंटे हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर 24 घंटे आसानी से हो जाता है। एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट करेंगे पेमेंट वाला, जो हमने अभी तक टच नहीं किया है, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं, जैसे ये रहा, राइट, जॉर्ज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 घंटे, ठीक है। देखो, अंग्रेजी हिंदी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना, सिंपल सिंपल बात है भैया, जॉर्ज जो है वो 8 घंटे में काम खत्म कर रहा है, ठीक है।
पॉल कैन डू द सेम वर्क इन 10 आवर्स, 10 घंटे में पॉल उसी कार्य को कर सकता है, और हरी जो है वो उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है। बहुत बढ़िया। जॉर्ज, पॉल एंड हरी स्टार्ट द वर्क एट 9 AM। इस तरह का सवाल नल एवं टंकी में तुम्हें खूब मिलेगा, ठीक है। सुबह 9 बजे तो ये एक पाइप खुलनी शुरू हुई, राइट, यहाँ पे काम है, वहाँ पे काम क्या होगा, टंकी भरने का। तो बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का सवाल होता है। ये तीनों लोग जो हैं सुबह 9 बजे, जी है ना, पी और एच, तीनों लोग सुबह 9 बजे काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। वाइल जॉर्ज स्टॉप्स एट 11 AM, 11 बजे कौन चला गया, जी काम छोड़ के चला गया, ओके। यहाँ जॉर्ज हमें लगता है कैपिटल जी होना चाहिए था, है ना, है कि नहीं भाई, है ना भाई, आप लोग अंग्रेजी में तो आपकी अंग्रेजी हमसे बेहतर ही है। वेल, जॉर्ज स्टॉप्स एट 11 AM, 11 बजे जॉर्ज जो है वो काम छोड़ के चला गया, ठीक है। द रिमेनिंग टू कम्प्लीट द वर्क, बाकी जो दो लोग हैं वो काम को समाप्त करते हैं। तो बताइए अप्रॉक्सीमेटली कितने बजे कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। कैसे करोगे, LCM लेकर के टोटल वर्क ले लोगे। ये कितना है देखो, अब ये सब ना ओरली होना चाहिए, ये 2³ है, ये सब ओरल कैलकुलेशन है जो मैं लिख के बता रहा हूँ, बिकॉज माइंड में, अब माइंड वाली चीज़ तो मैं दिखाऊँ कैसे, इसे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ये क्या है भाई, 2² और 3 है, तो इसका टोटल वर्क मैं क्या बोलूँगा, हाईएस्ट का मल्टीप्लीकेशन, 2³ × 3 × 5, है ना, 8 × 5 = 40, 40 × 3 यानी कि 120, टोटल काम कितना मान लूँ, 120 यूनिट का। अगर मैं 120 यूनिट का काम मानूंगा, 8 से अगर मैं इसको भाग दे दूँ तो 15 यूनिट काम ये करेगा प्रति घंटे, 10 से भाग दे दूँ तो 12 यूनिट ये करेगा, और 12 से भाग दे दूँ तो 10 यूनिट ये करेगा। सब कुछ पता है। पहले 2 घंटे में किसने काम किया, सब ने काम किया, तो कितना काम हुआ बेटा, 27 और ये 37, 37 यूनिट का काम हर प्रति घंटे हुआ। तो 2 घंटे में कितना हो गया, 37 × 74, 74 यूनिट्स का काम पहले 2 घंटे में यानी कि सुबह 11 बजे तक समाप्त हो चुका था, ठीक है। तो बचा हुआ काम कितना है, पहले ये देख लिया जाए क्या, आइए देखते हैं। अगर इसमें 70 घटा दे तो 50 होता, 50 में से 4 और घटा लो कितना, 46 बोल दें, बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो 46 यूनिट का काम है ये किसने खत्म करना है, जी चला गया तो पी और एच ने करना है। पी और एच कितना काम करते हैं भाइयों, पी और एच काम करते हैं हमारे पास 22 यूनिट का। तो 46 यूनिट खत्म करने में कितना समय लगेगा, 46/22। तो ये देखने की बात है कि 2 सही 2/22 घंटे हो जाएंगे, जिसको हम लिख सकते हैं 2 घंटे और 1/11 घंटे, ठीक है। 2 घंटे 11 बजे के बाद 2 घंटे 1 बजते हैं, राइट। अब देखना है, 2 ऑप्शन हमारे पास हो सकता है, या तो 1:10 या फिर 1:06। 1 मिनट ये तो कभी नहीं होगा और ये भी कभी नहीं होगा। तो सोचने की जरूरत ये है कि 1/11, देखो इन्होंने अप्रॉक्स वर्ड का प्रयोग भी किया है, यानी लगभग में आंसर बताना है, ठीक है। तो 1/11 घंटों को जब तुम्हें कभी मिनट में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हो, 60 से भाग देते हो कि नहीं, कितना होगा ये, क्या ये लगभग 6 मिनट नहीं होगा, तो क्या आंसर मार्क करोगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ ये बातें, सी गलत है भाई देवेंद्र, गलत है, ए ऑप्शन होगा इसका। 1/11 घंटे को जब मिनट में आप कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 5 मिनट 40 सेकेंड या 45 सेकेंड के आसपास आएगा, जिसको कि हम अप्रॉक्स अगर करेंगे तो क्या बोलेंगे, 6 मिनट बोलेंगे। कोई डाउट है तो पूछिए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। आइए हम लोग पेमेंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस सवाल के माध्यम से, ठीक है। पेमेंट क्या होता है, पेमेंट हमेशा कार्य क्षमता या कह लीजिए जो जितना काम करता है उस हिसाब से उस अनुपात में बढ़ता है। एग्जाम्पल देता हूँ फिर इस सवाल पे आऊँगा। जैसे सपोज करो, मान लो पी क्यू और आर, ठीक है, किसी कार्य को अकेले जब करते हैं तो 15 दिन, 30 दिन और 20 दिन में करते हैं, ठीक है। और अकेले जब करते हैं तो इतने इतने दिन इनको लग जाते हैं। तीनों ने किसी काम को मिलके करने का ठेका लिया, ठीक है, और जिसके बदले उनको मान लेते हैं 4200 रुपये मिले, ठीक है, 4200 रुपये मिले। तो पूछा गया, बताओ पी को कितना मिला, क्यू को कितना मिला और आर को कितना मिला, ठीक है। आइए तो इस बात को ज़रा समझते हैं। तो देखिए, मैंने अभी जो बताया कि ये क्या है, ये हमारा टाइम दे रखा है कि ये इतना इतना समय लेते हैं। अगर किसी काम को तीनों ने मिलके किया और उस काम के लिए इनको कितने पैसे मिले बच्चों, 4200 रुपये मिले। तो हमसे पूछा गया, बताओ किसको कितने पैसे मिलेंगे, इस 4200 को आप किस अनुपात में बांटिएगा।
ठीक है। तो देखो जो काम होता है ना, जो हमारा टाइम होता है काम करने का, और जो उसकी कार्य क्षमता होती है, वो एक दूसरे के ठीक विपरीत होती है। यानी अगर कोई 15 दिन में काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी 1/15 बोलेंगे, ठीक है, अनुपात। क्यों? 30 दिन में कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी का अनुपात कितना बोलेंगे? 1/30। और आर के लिए क्या बोलेंगे बच्चों? 1/20। ठीक है, एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का ठीक विपरीत होता है। बेसिक बात है, जैसे मान लो मैं किसी कार्य को 20 दिन में करता हूँ और आप 10 दिन में करते हो, इसका ये मतलब है ना कि आपकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता ज़्यादा है। ठीक है, तो एफिशिएंसी और टाइम ठीक एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, या फिर आप कह सकते हैं विपरीत होता है। अब ये क्या है? ये अनुपात में है। ठीक है, ये जो भिन्न अनुपात है ये भिन्न में दे रखा है। इसको अगर हम प्राकृतिक संख्या में लेके आना चाहें तो क्या करेंगे, इसके लसपा से गुना कर दीजिए। 15, 30 और 20 का लसपा कितना हो गया? 60 हो गया। 60 से गुना करोगे, 60/15 4, 60/30 20, और 60/20 ये कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो 4, 2 और 3 ये हमारा इसका आपस में अनुपात हो जाएगा। जो इनके एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात है, उसी अनुपात में पैसे बटेंगे। यानी बोला जाए कि भैया पी को कितना मिलेगा, तो पी को मिलेगा 4/ टोटल। टोटल कितना हो गया बेटा? 9। किससे भाग दोगे? 4200 से। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन में आएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, क्यू को कितना इसी प्रकार से मिलेगा? 2/9 किसका? 4200 का। आर को कितना मिलेगा बच्चों? आर को मिल जाएगा 3/9 किसका? 4200 का। इस प्रकार से बड़े आसानी से आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आओ जरा देखते हैं हमारे पास सवाल क्या है। इस सवाल को जरा फट से देखते हैं। ए कैन डू अ पार्टिकुलर वर्क इन 6 days। ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 days। बहुत बढ़िया, उसी कार्य को बी अकेले कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। ए और बी दोनों मिलके 3200 रुपये का काम लेते हैं, लेकिन उन्होंने सी की मदद से उस कार्य को किया, तो पूछा गया बताओ सी को कितना मिलेगा। कोई टेंशन नहीं है, क्या करना पड़ेगा? सी का समय निकालना पड़ेगा। हम लोगों ने कुछ सीखा था, M1 मेथड नंबर 1 फ्रैक्शन मेथड। क्या सीखा था? कि ए अगर 6 दिन में करता है, बी अगर 8 दिन में करता है, और सी अगर 30 दिन में करता है, और तीनों मिलके 3 दिन में काम समाप्त करते हैं, तो क्या सी का मान निकालना डायरेक्टली संभव है? बिल्कुल हाँ, एक स्टेप में आप सी का मान निकाल सकते हैं। जब आप इन दो चीज़ों को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा कि नहीं? -3 -1/8 हो जाएगा, -6, 1/6 और 1/8 हो जाएगा। इसका लसअप कितना हो जाएगा? 24 लिख दें, 24 लिख देते हैं, 12 तो होगा नहीं, 24 ही होगा। तो 24 लिखा हमने, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 3। कितना बटा? 1/24, यानी सी कितना आ गया बच्चों? 24। काम नहीं खत्म हो गया, राइट? ए बी सी तीनों का तुम्हें समय पता लग गया, तुम्हें पता है एफिशिएंसी क्या होती है, उसका ठीक विपरीत। यानी ए 6 था तो मैं 1/6 लिख लेता हूँ, बी 8 था तो इसको 1/8 लिख लेता हूँ, और सी 24 निकाला हमने तो ये 1/24 हो गया। ये क्या है? एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात है। ठीक है, अब क्या करें? इसके लसपा से गुना कर दें। लसपा कितना आएगा? 24 आएगा। 24 से गुना किए तो क्या आ गया बेटा? 4, 3 और 1। काम खत्म। पूछा गया भैया बताओ सी को कितना मिला, तो सी को मिला 1/ टोटल। टोटल कितना है? 8। किसका? 3200 रुपये का। तो बड़े आसानी से आप में से 2 लोगों ने आंसर बिल्कुल सही सही दिया था, 400 बिल्कुल सही है। परफेक्ट, वेल डन शिरांशी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल भी काफी आते हैं, राइट? अब ये किस पे बेस्ड है? ये नेगेटिव वर्क पे बेस्ड है, कि कुछ पॉजिटिव भी होता है कुछ नेगेटिव भी होता है। इस सवाल को समझने के लिए मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल रखना चाहूंगा तुम्हारे सामने। जैसे देखो, एक ना मान लो एक कुआं है, ठीक है, एक कुआं है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेल बोलते हैं क्या? वेल बोलते हैं, ठीक है। हमने एक कुआं लिया और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें मान लो एक मेढक फंस गया है, ठीक है भाई, एक मेढक फंस गया है इस कुएं में। कुएं की गहराई अगर 100 मीटर की है, 100 मीटर इसकी कुएं की गहराई है, ठीक है, काफ़ी गहरा कुआं है। ये मेढक बेचारा यहाँ फंस गया है। रोज क्या करता है? दिन में ये 20 मीटर चढ़ता है, 20 मीटर रोज दिन में चढ़ता है, ठीक है, 20 मीटर्स। मैंने
40 लिखने दिया, 40 नहीं 20 मीटर चढ़ता है, और शाम को जहां भी होता है वहीं पे उसकी आंख लग जाती है, सो जाता है। ठीक है, दिन भर चढ़ता है, शाम में जहां भी होता है वहां पे आंख लगती है, सो जाता है। जब वो सोता है तो 10 मीटर नीचे खिसक जाता है, ठीक है, 10 मीटर नीचे खिसक जाता है, और रोज 20 मीटर चढ़ता है। यानी एक दिन में इफेक्टिवली देखो तो कितना चढ़ रहा है, 10 मीटर ही चढ़ रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, बताओ इस कुएं से कौन से दिन में वो बाहर निकलेगा, तो आप में से ज़्यादातर लोग शायद ये मुझे जवाब देंगे कि सर 100/10, 10 दिन के बाद वो बाहर निकल जाएगा, ऐसा आप कहोगे, है कि नहीं। लेकिन इस तरह के सवाल में एक गड़बड़ी होती है जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमारे गलतियों के लिए भी ऑप्शंस एज यूजुअल एग्जाम में होता है। हमें क्या करना चाहिए इस तरह के सवाल में, हमें ये देखना चाहिए कि क्या पॉजिटिव काम हो रहा है, उतना घटा के काम करें। जैसे 100 मीटर है ना, 20 मीटर इसमें से पहले ही घटा लो, यानी 80 मीटर इसी 10 के हिसाब से कर लो, तो 8 दिन में ये कितना चढ़ जाएगा बच्चों, चढ़ा फिसला सब मिला करके 8 दिन में किस ऊंचाई पे है ये, 80 मीटर पे है। 9वें दिन में वो 20 मीटर चढ़ा, अब 20 मीटर चढ़ने के बाद क्या वहां पे रुका रहेगा क्या कि फिसल जाए, नहीं। तो ये काम कितने दिन में खत्म हो गया, 9th डे में, द वर्क इज ओवर, 10 डे इसका आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बट अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पाते हैं। ठीक है, अब आओ इस सवाल पे देखते हैं, जरा ये सवाल क्या है, बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है। अगर आपने ये एग्जाम्पल समझा तो ये सवाल भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अ मैन बिल्ड्स 1/8 पार्ट ऑफ द वॉल, एक व्यक्ति जो है 1/8 हिस्सा वॉल का रोज बनाता है, एवरी डे। आउट ऑफ द लेंथ ऑफ द वॉल बिल्ट पर डे, जितना भी वो रोज बनाता है उसका 20% गिर जाता है, फॉल्स ऑफ ईच डे इंक्लूडिंग द लास्ट डे वर्क, हर रोज का ऐसा होता है। ठीक है, हाउ मेनी डेज ही कैन कम्प्लीट द वॉल, कितने दिनों में वो कार्य को पूरा कर लेगा। सबसे पहली चीज, आप लोगों को कभी भी इस तरह के सवाल में एक्स वाई जेड तो मानने की जरूरत होती ही नहीं है ना, हमेशा एक ऐसा संख्या, एक ऐसा नंबर मानने का प्रयास करते हैं जिसमें कैलकुलेशन आसान होती है। जैसे 1/8 है, 20% है, 20% मुझे ध्यान आता है कितना होता है बच्चों, 1/5 होता है ना, 1/5 होता है। तो मुझे समझ में आता है कि क्यों ना इस वॉल की जो पूरी लंबाई है वो हम लोग 80 यूनिट की मान लें, 80 मीटर, 80 इंच, जो चाहे मान लो, 80 यूनिट मान लो। ठीक है, ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा करने से ये फ़ायदा हुआ कि 1/8 ऑफ 80 ये देखना बड़ा आसान हो गया तुम्हारे लिए, यानी रोज़ वो कितना काम कर रहा है, 10 यूनिट काम कर रहा है। 20% जब नेगेटिव हो रहा है तो 20% किसका, 10 का, ये कितना हो गया बच्चों, 2। यानी रोज़ वही वाली बात है, बंदर 10 यूनिट ऊपर चढ़ा और 8 यूनिट फिसल गया, बंदर फ्रॉग जो भी है, राइट। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव काम कितना हो रहा है, 10 यूनिट, और 2 यूनिट नेगेटिव काम हो रहा है प्रतिदिन। अब इस तरह के सवालों को करने के लिए अगर हम देखें तो 80/8 10 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन आपको समझ में आता है कि ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, ये बात हम लोग अभी सीख चुके हैं इस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा इस सवाल में कि यहाँ पे जो पॉजिटिव काम है बट उसको छोड़ दीजिए आप, राइट, 80 में से मैं 10 यूनिट हटा देता हूँ तो बचा कितना, 70 यूनिट। अब देखते हैं 70 यूनिट के हिसाब से तो होगा नहीं, 8 का गुणनफल है, तो 64 समझ में आता है, और उसके बाद 8×9=72 समझ में आता है। यानी 8 दिन में नेगेटिव पॉजिटिव मिला करके अगर देखें तो 64 यूनिट काम होगा, और 9 दिन में 72 यूनिट काम होगा। हमें तो 70 तक पहुंचना है ना, हमें तो कहां तक पहुंचना है, हमें तो 70 तक पहुंचना है, तो देखना है भाई किस प्रकार से हम यहां तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो 8 के हिसाब से 80 तक पहुंचना है ना, हमें तो 80 यूनिट तक ख़त्म करना है, टोटल काम हमारा 80 यूनिट का था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें कि 9 दिन में 72 यूनिट काम हो गया नेगेटिव पॉजिटिव सब मिला करके, तो 80 में से बच्चों बचा कितना, बचा तुम्हारे पास 8 यूनिट। एक दिन में ये 10 यूनिट काम कर सकता है, अब ये इसको सिर्फ 8 यूनिट ही करना है ना, बिकॉज पॉजिटिव काम करें वही वाली बात है ना, कि जब ये 9वें दिन में यहाँ पे निकल चुका था फ्रॉग, तो क्या यहाँ पे खड़ा रहेगा क्या फिर से फिसलने के लिए, बिल्कुल नहीं, तो काम समाप्त हो गया तो हो गया। तो जब 8 यूनिट ही इसको करना है, तो 9 दिन तो पहले हो गए थे और 8 यूनिट करना है 10 यूनिट के हिसाब से, तो कितना समय लगेगा, 8/10 दिन, 8/10 दिन, 8/10 को क्या बोलोगे, 4/5 दिन। तो टोटल समय कितना लगा, 9 दिन + 4/5 दिन, ठीक है, मतलब एक दिन से कम है। अगर आप इसको देखिएगा तो कितना हो जाएगा ये, 45 और 4 49, 49/5।
ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या मार्क करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई, मैं फिर से वीडियो पॉज करता हूँ।